तो ऑलराइट मेरे भाई लोगों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं हूं संदीप लिटिल गेमर चैनल पे, आपका निल बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला, अगर मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि गाइज मैंने ये गेम क्यों स्टार्ट करी दोबारा। देखो, जब ये गेम आई थी होराइजन जीरो डॉन, मैंने जब सब मतलब काफ़ी पहले जब ये गेम रिलीज हुई थी, मैंने उसी टाइम 4 एपिसोड या 5 एपिसोड्स के बनाए थे। बट मेरे 1050 Ti ग्राफिक कार्ड पे वो गेम पता नहीं काफ़ी मतलब लैग हो रही थी, काफ़ी मतलब यार चौपी सी चल रही थी वो गेम, और मैंने वो सारी वीडियो डिलीट कर दी पांचों की पांच। ठीक है, क्योंकि वो उसमें क्वालिटी भी यार बहुत वो थी और मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी खुद देखने में पर्सनली, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। बट मैंने थोड़ा अब आप जैसा आपको पता है कि होराइजन फॉरबिडन वेस्ट फरवरी में रिलीज होने वाली है, ठीक है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना जो पुरानी गलतियां हैं उनको ठीक किया जाए और वीडियो उस गेम प्ले पे दोबारा बनाया जाए उस गेम पे। तो होराइजन जीरो डॉन ये कंप्लीट एडिशन है जो मैं खेल रहा हूँ, तो ठीक है पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ भाई, अब मैंने थोड़ी R&D करी, मैंने कहा यार थोड़ा देखता हूँ कि इस गेम में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यस, काफ़ी बंदों ने कंप्लीट एडिशन जो ये आया था इसका, इसके अंदर काफ़ी जो 1050 Ti है, 1060 है, इनमें काफ़ी अच्छी गेम को इम्प्रूव कर दिया गया है, बहुत पहले इम्प्रूव कर दिया गया था। ये तो मुझे अभी पता लगा जब मैंने थोड़ा R&D करके कन्फर्म किया, ठीक है। तो यस, 35 to 40 फ्रेम रेट शायद मेरे ख्याल से मुझे मिल जाएंगे इस गेम को खेलने में, एंड आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब एक तरीके से बताऊं तो ये गेम स्टोरी टाइप है भाई, जैसे असासिन क्रीड है आपकी, ठीक है, स्टोरी होती है, साइड मिशंस होते हैं। तो इस गेम में मैं क्या करूंगा, जो मेन मेन मिशन है वो आपको दिखा दूंगा। जैसे आप सबको पता ही यार, अगर साइड मिशन दिखाऊंगा ना तो गेम 20-22 घंटे की पहुंच जाएगी और आप देखोगे भी नहीं, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो मैं आपको स्टोरी मिशन दिखा दूंगा और पर्सनली ये गेम रिकमेंडेड मैं आपको जरूर करता हूँ भाई, इस गेम को जरूर खेलना। आपके पास कोई सा भी PC हो, नॉर्मल PC भी हो, तो भी ये गेम जरूर ट्राई करना, होराइजन जीरो डॉन, ठीक है, बहुत अच्छी गेम है और स्टोरी वाइज भी अच्छी है। तो स्टोरी वाइज थोड़ा रिकैप कर देता हूँ मैं, इसमें दो क्लैन होती है, ठीक है, दो क्लैन है इसमें आपस में, और जो हमारी मेन हीरो होती है वो मतलब किसी और की बच्ची होती है, वो नहीं होती, उसकी नहीं होती एक्चुअल में, ठीक है। जैसा आपको स्टोरी पता लगेगी बता दे रहा हूँ, थोड़ा ऐसा बता रहा हूँ ताकि आपको स्पॉइलर ना लगे कि भाई तूने पहली कहानी बता दी, ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आएगा। शुरू करते हैं भाई होराइजन जीरो डॉन का पहला एपिसोड आज। और यस, जब मैंने गेम प्ले बनाया था पहले, काफ़ी पहले, तो फेस कैम नहीं था, ऐसी मैंने बनाया था, तो अब फेस कैम के साथ भी खेलेंगे। एंड यस, ये गेम लंबी है, ये सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इस सफ़र को, जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। शुरू करते हैं आज पहला एपिसोड ऑफ होराइजन जीरो डॉन, आई होप आपको मजा आएगा और मुझे भी। चलो शुरू करते हैं। सोनी इंटरैक्ट एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स, गेरिला इंजन, इंजन नहीं है ये। वाओ, ये गेम पुरानी होने के बावजूद भी यार इतनी मस्त लगती है आज के टाइम में, क्या बताऊं। What's that now? Don't like the cold? Can't stay in today. We have a ritual to perform, you and I. Here. Wear this. It belonged to my daughter. ये इसकी बेट। I speak your name, girl. But will the goddess speak it back? आ, इसका नामकरण किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर हरमैन। अच्छा, गेम का वो इंट्रो चल रहा है। Normally it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual. But we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones, who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, were left the splendors of creation, beasts of air, water, earth, and steel. Oh, bhai. Are baap re baap.
खतरनाक से। It is one thing to hunt a beast, another to hunt a machine. You must be humble and respect their power. I will teach you this one day. तो आज इसका नामकरण होगा। बेसिकली जो माँ होती है वो ये चीज़ें करती है, बट अब उसकी तो मम्मी है नहीं तो यही ध्यान रखेगा, तो उसने चीज़ पहले बताई थी। एंड यस, इम्प्रूवमेंट हुई है। यस, 13 सीरीज़ की ग्राफिक कार्ड के लिए इसको इम्प्रूव किया गया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं किया, क्योंकि जब ये गेम शुरू में रिलीज़ हुई थी बहुत चौपी चल रही थी भाई सच में। एक रिचुअल होने वाला है। दादी अम्मा। नो नो नो, ऑफ योर नीज, इट्स नियरली टाइम। एंड यस, यू मे स्पीक टू मी। केम टू ब्लेस द नेमिंग। Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice, and she, well... I am a High Matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go, and be ready to declare. Go! इसका नामकरण होगा। नाम रखा जाएगा उसका भाई। Oh, Mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name. Aloy. Aloy. Yes, हमारी main character का नाम Aloy होने वाला है. And so her name is blessed. Stop this at once. What have you done? I bless the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. And you, blessing its name like it was one of the... I know my duty to them. And to you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow. नामकरण तो हो गया, बट एक मुसीबत हो गई। मैंने कहा था ना ये आउटकास्ट वाला सिस्टम जाता नहीं है कभी, ये हमेशा रहता है, तो ऐसी है भाई। और Horizon Zero Dawn कहानी शुरू 6 साल बाद। Aloy. Berries. Bye. Oh, that's a lot of berries. You're quite the gatherer, aren't you, little Bast? Now go and see if you can find some more. Hmm? वो शुरू से ही अनजान है, मतलब उसे माँ का प्यार नहीं मिला, उसको रोस्ट ही बड़ा करता हुआ आ रहा है काफी टाइम से। Well done, that's a good boy. Children, come with me. She's an outcast to be shunned. There. भेदभाव वाला सिस्टम हमेशा से रहा है। बच्चा नाराज। ओ भाई, ये कहाँ आ गए हम? भाई हम तो टनल में घुस गए।
एलॉय अब बड़ी हो चुकी है, 6 साल की हो गई है वो। मैं यहाँ हूँ रॉस्ट। उसकी आवाज ऊपर तक जाएगी। ऑल राइट भाई, मेन्यू में इनक्विस्ट ए गिफ्ट फ्रॉम द पास्ट, गो इन टू द केव एंड यस इम्प्रूवमेंट है भाई। दो रास्ते हैं। Looks tight, but I can get through. तो वो कौन सा रास्ता था? Must be a ruin of the metal world. पागल बना रहे थे वे। What are the old places? कोना कोना छान मारो, छूटने ना पाए। Okay, मुन्ना। अरे यहाँ तो गेट है। Ross said never go in places like this. But I have to find a way out. Ross ने मना किया था किसी ऐसी जगह पे मत जाना जहाँ पे ये सब हो। ओह, वहाँ पे कुछ है। गुलाटी खाएंगे हम। गुलाटी खाना हमारा काम है। ऊपर रास्ता जा रहा है। लेट्स गो। There's something up ahead. पता है जब भी कोई गेम असासिन क्रीड जैसी होती है ना तो मेरा मन करता है उस गेम को ग्राइंड करने का। What's that? देखा। There's something shiny there. कुछ चमक रहा है। मरा हुआ आदमी का शरीर है ये। दांत वात सब सड़ गया है। बट ये मशीन अभी तक चल रही है। बंदा मर गया भाई साहब, मशीन काम करना चालू कर रही है अभी भी। देख रहे हो तुम? सही है। ये चीज अच्छी लगी मेरे को। चिपक गया था वो। मशीन काम करने लग गई। मैं भूल चुका हूँ, मैंने खेला था बट काफी भूल चुका हूँ मैं सच में। लगा लिया उसने। उसे अब सब दिखना चालू हो गया, क्या मशीन है, क्या काम करती है। Okay, toggle the focus. All right. A metal door closed. Maybe this device I found can help. अच्छा जी। How do I get it open? Bunker door. Heavily shields integrated maintenance. Use the device to scan a room. A shape. It's connected to the door somehow. अच्छा, ये connected है। More lights. देखते हैं भाई। ओ, यहाँ से खुलेगा ये रहा ना। टर्न होलो लॉक काउंटर क्लॉकवाइज। हो गया। चेंज्ड कलर। भागो भागो। गेट खुल गया भाई। The door changed color too. चलो। It did it.
वहाँ पे माल पानी पड़ा है, बट मिलेगा कैसे मुझे? क्या पता कोई हिडन वे हो। ओ स्कैन करो। Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. मस्त है भाई, पुरानी यादें ताजा हो गई। ये रहा ना, ये क्या है? एक तरीके का वॉइस है। Well, happy new year, dear diary. Can you believe we actually celebrated last night? Well, we did. Kind of. Director Evans invited everyone to gather in the community room. Don't know where she got the party hats. That was a ghoulish touch. So there we sit, watching the clock tick down to midnight, and I'm thinking, am I the only one who gets the symbolism of this? It might have been worth it if Skylar had gotten drunk again, but I seem to be mistaken. She doesn't want to repeat. 2066, भाई साहब। देखा जाए दोस्तों, गेम में ना बहुत बहुत कुछ होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप गेम को किस तरह ग्राइंड करते हो, आप उस गेम को किस तरह खेलते हो। ओ भाई गजब, चलो बाहर निकलने का वक्त आ गया। यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हैं, यहाँ पे सिंबल मुझे बहुत सारे आ रहे हैं। Machu Picchu. Always wanted to see that. Never did. Why didn't I go with Owen when he asked? Stupid. Should have gone. Well. भाई ये रहा ना, देखो काफी सारी चीजें यहाँ पे। भाई इसकी स्टोरी समझने के लिए ना कुछ अलग ही गेम खेलना पड़ेगा मेरे को, विकिपीडिया यूज़ करना पड़ेगा मुझे समझने के लिए। He found me. Frost found me. भागो भागो भागो। Down here. I'm coming. I'm coming. Mother be praised. Come girl, take my hand. You don't belong down there. Come. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! कैसे समझाए अब?
Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. सही है, उसे वो उसका अपना वो मिल गया। बेसिकली ये तब है जब इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे हमारे ऊपर या इन मशीनों के ऊपर या फिर समथिंग ऐसा। Take your bow. Bow. उस पे आ भी रहा है लिखा हुआ। And enough muttering to that plaything. We descend to the valley now. Follow. तो बिल्कुल स्टोरी समझ तो मुझे आ रही है कि तब की कहानी है जब इंसान आए थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मशीनें बनाई उन्होंने। तब ये एक फॉरबिडन प्लेस बन गया होगा। डेंजरस एलॉय, यू विल नीड टू स्टे क्लोज एंड डू एज आई से। आई नो। नाउ, यू आर स्टिल स्क्रैच्ड अप फ्रॉम दैट फॉल यू टुक यस्टरडे। सो लेट्स स्टार्ट देयर। टेक दिस मेडिसिन पाउच। आई विल शो यू हाउ टू फिल इट। पाउच मिला हमको दोस्तों। सी दिस प्लांट ओवर हियर। इट्स कॉल्ड साउथ ब्रश। कम, गैदर इट्स बेरीज इन योर पाउच। Good. Now eat the berries. Transfer to healthier medicine pouch to health pool. Yes. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. ठीक है. Where are we? This valley is just a part of All Mother's embrace. Embrace. The Nora tribe watches these lands. And keeps out the most dangerous machines, usually. अब वो उसको हंट करना सिखाएगा कि कैसे बचना है, क्या क्या करना है। वो है हमारे पास, अभी पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे यूज़ करने के लिए। एंड ऊपर हमारा मीटर है जिससे हमको पता लगेगा कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। भाई पीछे। Further down river, we'll find a herd of machines, and I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. Aloy, a machine's coming. Crouch and follow me into the tall grass. ठीक है। आँख का सिंबल आ रहा है। मेरे ख्याल से वो डिनोट करता होगा कि आपको मशीन ने देख लिया या नहीं। There. Now stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. जाने दो भाई। Now keep low and follow me across the trail to that tall grass. बच बच के निकलो। बाद में तो ठुकाई करेंगे हम, बाद में तो सबको मारेंगे। कहाँ है ये रहा। परफेक्ट, गया वो। Come back this way. The slower you move, the quieter you'll be. And crouched walking is quieter than upright. Slow and steady. Wait for it. इनकी पावर्स बहुत तगड़ी तगड़ी होगी भाई, तो बीम भी मारते होंगे। That's the last of them. Let's move on. चलो जाना तो पीछे। अच्छा, इसी के ऊपर जाना है। Let's go. You did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Shows how visible you are. देखा? ठीक है। गुड। ये कौन है?
Who's that? Ignore him. But why is he up there? तो भाई साहब लपक लपक के चल रहा है. He's smiling at us. Deb, get back where you belong. Deb, where are you? Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. And he is a fool. अब वही सिस्टम है यार. Come in, now. Let's find that herd. इनकी अपनी अपनी क्लैंस हैं. जहाँ पे ये लोग पत्ती उठा लो. रिजवुड. ला 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 ला. There. See them? These are called striders. Striders. Ha! Get! भाई तो भाग गए. Why'd you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. तो घोड़ों को पकड़ के हम उन पे घुड़सवारी कर सकते हैं. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Those will do. Follow. उठा लिया. Marks around the show how much you are making. चलो भागो. हमने पत्थर तो उठा लिए. तीन उठाने थे, तीनों उठा लिए. There's the herd. All right. It's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Achille. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Oh shit. Aloy, throw a rock near me. Idhar. Crack, crack, crack. ये कहाँ है ये बंदा? नियर रोस्ट. रोस्ट कहाँ है? वो वहाँ है. अब इसकी शक्ल अच्छा यहाँ फेंकना है. अरे ऐसा बोलना भाई. अब वो पकड़ेगा. ये गया भाई. मार दिया उसने. गजब. There, harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Metal shards और sparker. Good. Now, gather stalks of ridgewood from the plants over there. प्लांट्स. रिजवुड तो लकड़ियाँ है ना. लकड़ी उठाओ. लकड़ी उठाओ. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Craft arrow. LB. अच्छा लकड़ियाँ चाहिए होती है और इसके लिए शाफ्ट चाहिए होता है. Good. चलो. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Follow. बंदों को मारो, लकड़ियां उठाओ. दो काम करने भाई. Here,
Stay low in the grass and be quiet. It's time to make your first kill, Aloy. ठीक है. Strider, one of the weaker machines, but even a weak machine can kill a hunter if she's careless. You must study her brain. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable, like its eye. Can you guess another? वो उसकी मशीन का यूज करेगा, देखना. पता था मुझे. उसका वो रहा सबसे. The canister on its back. Is that a weakness? Yes. नया. मार दिया भाई हमने. मिल गया हमको मेटल शार्ज और वायर मिली. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. What was that? That boy, the one running the Brave Trails. Follow Aloy, quick. चल चल तू भागना पहले मोटे तेरे से भागन जा रहा मेरे को भगा रहा है तू. ठीक है तो मतलब जिस बंदे को अगर हमें मारना है तो उसके हमें येलो पार्ट पे मारना पड़ेगा सो हम एनिमी को जल्दी मार पाएंगे. गुड 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 आई लाइक इट. भागो गुलाटी खाओ. गुलाटी इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन एनी गेम. फिर जल्दी पहुंच जाते हो आप. ये रे भाई घोड़े. ये तो गया. ये गया. सचेत हो गए वो. अब तू कैसे बचेगा कालिया. कौन माइकल लाल आया हमारे घरों में. हम उसकी खोपड़ी बजा देंगे. It's only a matter of time before the machines find that boy and kick him to death. But if I shoot, it will cause a stampede and it will trample him. But I can see the paths they take. Stop telling stories. I'm not. I can sneak through. You will not. जाएगा. उसका बो निकाल लिया. अब हमें कुछ करना पड़ेगा. ये मक्खी साली घूम रही है तब से. ओके सो वी हैव ऑप्शंस. Find a safe time to scan the watcher with the focus to reveal his path. इसका रास्ता ये है. ये इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा. ओके और जो ये वाली मशीन है वो जाएगी. इसका पाथ यहाँ पे है. धीरे धीरे जा रहा हूं. I need to see their paths. इस मशीन का पाथ इस तरह है. ये वापस जाएगा. इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा.
धीरे 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 भाई जल्दबाजी नहीं करनी। Almost there. Hey. What? How is this? चुप कर, चुप कर नहीं तेरी बोलती बंद हो जाएगी अभी। Follow me. Lead back, lead boy to the safety. आजा जल्दी है, जल्दी है भाई। मैं बचा लूँगा। उसका पाथ कहाँ है? वो वापस जा सकता है बस। चलो। मतलब सारे बंदे अभी ऐसा ही स्टोरी में ही है। तो चुप कर, पहले आगे बढ़। पहुंच गए भाई हम, लड़की की जान बचा ली हमने। So, it is no plaything. Wait. Oh mother, bless that girl. Bless you both. Boy, she saved me. जान बचा ली भाई हमने उसकी। I just want to. Boy, seal your lips. They are outcasts both, and she is motherless. उसकी माँ की डेथ हो गई थी। Come now. Back to mother's heart. मुझे पता नहीं है सही में स्टोरी के बारे में, मेरे को पता नहीं भाई, बाद में पता लगेगा। झापड़ मार दिया उसके। निकल तू। That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. Shaji. We'll go home now. Follow. नहीं, पहले ऐसा होता ही था। Tribal clans. Know the way. अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आज के टाइम में नहीं। आज के टाइम में भी आप किसी रूलर एरिया में जाओ। मेन क्वेस्ट कंप्लीट। Lesson of the boy. उसे वो डायलॉग यार, आ किसने मारा ये भाई? Stay away, no mother. बेटा वो चाहे ना तेरा खोपड़ा खोल सकती है। ओके, ड्रॉप योर रॉक, नॉक द रॉक फ्रॉम हिज हैंड। मैं चाहूँ तो सर फोड़ सकता हूँ उसका, पर कोई बात नहीं, बच्चों को अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। Stop. मैं चाहता तो इसका सर फोड़ देता अभी। खोपड़ी खोल देता मैं, पर मैंने मौका दे दिया। You're bleeding. Let me have a look. Here, hold still. I'll get it. Why? Shh. Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care. How do I do it? Tell me. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था। Whatever it takes, I'll win the proving. I see.
We'd best get started then. Your training will be hard, and it'll take years. Start training? Yes. Follow. Okay. तो मैं बताता हूँ क्या हुआ. जब एलॉय ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वो, चलो आप ये देखो. भाई ट्रेनिंग चल रही है उसकी, खतरनाक. इतना आसान थोड़ी होगा. कछुआ भाग गया, सॉरी खरगोश. ओ भाई चल तेरी बैंडी. उसे बहुत कुछ सीखना है भाई अभी. जबरदस्त, बढ़िया. चढ़ चढ़ चढ़, तुझे खुद चढ़ना होगा. हो गए हम बड़े. ऐसा कहानी में कितनी बार होता है. बाय तेरी मक्खी चली जाए, मैं तुझे मार दूंगा. नहीं तो अभी भाई क्या बात है भाई. ओ भाई प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. इस मक्खी को मार दूंगा मैं अभी. परेशान कर दी मेरे को ये. ऑलराइट ठीक है, बढ़िया था भाई. लॉन्डिया हमारी बड़ी हो गई. रॉस्ट, मैं कहानी बताता हूँ. Where is he? 2 days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. Level 3 reached the point of the spear. Alright, तो मैं आपको कहानी बताता हूँ. कहानी क्या हुआ, जब उसने बचपन में अपने माँ का, उसके माँ के बारे में पूछा तो उसने मैट्रियाज की बात करी. मैट्रियाज या मैट्रियाक, ठीक है. तो मैट्रियाक एक बंदी है या फिर दादी अम्मा जो थी, ठीक है. वो उसने बचपन में उसने रोस्ट को दिया था, ठीक है, पालने के लिए. तो वो कहती कि फिर वो लड़की पूछती है, मतलब एलॉय हमारी, कि उसे पता होगा मेरी माँ के बारे में. तो रोस्ट कहता है हाँ पॉसिबल है, बट लेकिन एक रिचुअल होता है हर साल. सॉरी रिचुअल नहीं, कॉम्पिटिशन होता है हर साल, जहाँ पर तुमको जीतना होगा और तब तुम ये सवाल उससे कर पाओगे, मैट्रियार्क से. ऐसे तुम ये सवाल उससे नहीं पूछ सकते. तो उसने बोला ठीक है, मैं वो कॉम्पिटिशन लड़ूंगी, यानी कि प्रूविंग, जो अभी उसने नाम लिया, ठीक है. तो उस कॉम्पिटिशन के लिए हमने तैयारी करी सालों, और अब हम इतने बड़े हो गए करते करते, और अब 2 दिन रह गए हैं उस, क्या कहते हैं, उस प्रूविंग का, मतलब जहाँ पर ये अपना कॉम्पिटिशन लड़ेगी और फिर मैट्रियार्क से सवाल पूछ पाएगी. तो ये है, ठीक है, ऐसा है. तो इसी के साथ जो पहला एपिसोड भी है वो यही, मैं यही ख़त्म करता हूँ. आई होप आपको पसंद आएगा. मिलेंगे हम सेकंड एपिसोड में जल्द ही, ज़्यादा देर नहीं करूँगा मैं, ठीक है. यस, तो कहानी यही है दोस्तों. अब एलॉय अपनी माँ के बारे में पता करना चाहती है और वो मैट्रिया से सवाल पूछेगी, बट उसके लिए उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो उसके लायक है. चलो देख रहे हो, सवाल पूछने के लिए भी भाई से प्रूव करना पड़ रहा है. चलो बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट. इंस्टाग्राम का लिंक और स्क्रीन में फॉलो कर लेना, और जरूर बताना गेम कैसी लगी, ठीक है. बाकी कैमरे का एंगल थोड़ा मैं सही कर दूंगा, थोड़ा झंडू था ऐसे, इतना ठीक है. चलो मिलता हूँ सबसे मैं सेकेंड एपिसोड में जल्दी. बाय गाइस, लव यू ऑल, टाटा.